हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो हमने पहले WWF के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लेंगे अबाउट ट्रैफिक, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। सबसे पहली बात, ये एक एनजीओ है जो कि काम करती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका बेसिक मकसद रहता है कि जो ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का, दोनों को ही देखना, उनको मॉनिटर करना। ये फाउंड की गई थी 1976 में। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है बिटवीन द WWF एंड IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। बात करें ट्रैफिक के एम की, तो इसका एम है टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो ट्रेड होता है वाइल्ड प्लांट्स में या एनिमल्स में एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उससे नेचर की कंजर्वेशन में कोई भी थ्रेट ना हो। ये रिसर्च, एनालाइज, गाइडेंस और इन्फ्लुएंस भी करती है, एज वेल एज ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, द ग्रीन स्टीम वर्क एंड कॉम्बैट्स वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड ट्रैफिकिंग। तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं, ट्रैफिकिंग होते हैं, उनको भी डील करती है। जैसे मैंने बताया कि ये रिसर्च करती है, पब्लिकेशन भी देती है कुछ इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट्स का, प्रोजेक्ट्स भी देखती है, उसके अलावा एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है कि कैसे आप लोग मॉनिटर कर सकते हो, कौन कौन से एक्ट्स के अंदर आपको क्राइम नहीं करना है, ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, एज वेल एज आउटरीच और एडवोकेसी भी करती है जो भी इशू आते हैं इन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स। कुछ रीसेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे ट्रैफिक के। तो पहली चीज़, ये कंटिन्यू कर रही है अपना वर्क जिससे ट्रेड जो है वाइल्ड स्पीसीज का, वो थ्रेटन ना करे उनके खुद के सर्वाइवल के लिए। इसके अंदर ये टैकलिंग करती है द लीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड प्रमोट करती है द लीगल एंड सस्टेनेबल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, फॉर इंस्टेंस थ्रू द फेयर वाइल्ड फाउंडेशन। तो फेयर वाइल्ड फाउंडेशन इसकी एक पार्टनर है जिसके साथ लिंक करके ये सारे काम करती है। ट्रैफिक जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है USAID का फंडेड एक प्रोग्राम है, वाइल्ड लाइफ ट्रैप्स प्रोजेक्ट। ट्रैप्स प्रोजेक्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रिस्पॉन्स असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर विच वर्क्स इन अफ्रीका एंड एशिया, ग्लोबल हब्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड टू टैकल इलीगल ट्रेड बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स। जो एशिया और अफ्रीका के बीच में जो इलीगल ट्रेड होता है, उनको डील करने के लिए। पार्ट ऑफ दिस इज स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज बेस एंड कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो इससे क्या हो रहा है, इनको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, उनका नॉलेज बेस भी डेवलप हो रहा है, जिससे वो आगे भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड या जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके ट्रेड में ना हो, उनको कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या उनको स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर हम 2016 की बात करें, ट्रैफिक ने एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करी थी ऑन राइनो DNA टेस्टिंग, जिसने लाया था टुगेदर बहुत सारे साइंटिस्ट को, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को, अलग अलग सोर्सेज से, जिन्होंने आपस में डिस्कस किया कि कैसे राइनोज की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जाएं। एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट वर्क की बात करें, तो ट्रैफिक हैज़ बीन वर्किंग थ्रू द रूट्स पार्टनरशिप, जो रूट्स पार्टनरशिप के अंदर ट्रैफिक भी एक पार्ट है, जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं टू डिसरप्ट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑन अ ग्लोबल लेवल, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी नज़र रखी जा सके। इसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के साथ भी एक पार्टनरशिप डेवलप करी है, चाहे वो एयरलाइंस हों या रेलवेज हों, जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री कहीं पर रेलवेज जा रही हैं। तो इसके साथ साथ ये रिसर्च और इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को जो कि रूट्स पार्टनरशिप के अंदर काम करना चाह रहे हैं। तो एक रूट्स पार्टनरशिप के बारे में भी देख लेते हैं कि ये है क्या। इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अनलॉफुल ट्रांसपोर्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। दिस इज एन इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप दैट ब्रिंग्स टुगेदर इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रैफिक है या WWF है या यूनाइटेड नेशंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको साथ लाती है, उनके डोनर्स को, गवर्नमेंट को, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज को, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज को साथ लाती है, जो आपस में वर्क करते हैं
जिससे कि डिसरप्ट हो सके वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और रिड्यूस हो सके उनका इलीगल ट्रेड्स. ओके, दिस विल मैक्सिमाइज रिजल्ट एंड इम्पैक्ट्स. राउट्स विल फोकस ईयर वन एंड टू एक्टिविटीज ऑन एयर ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द करेंट हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड चैंपियनशिप इन द इंडस्ट्री. तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है उसकी चैंपियनशिप को मद्देनजर रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग कैसे कि ना हो इलीगल ट्रेड उससे लिंक करके ये एक राउट्स पार्टनरशिप बनाई गई है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रैफिक. अगली बारी मिलेंगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड.